फर्जी तरीके से तिरंगा और हरियाणा सरकार की नेम प्लेट लगी गाड़ी का जबरदस्त दुरुपयोग हो रहा है। लोग वीवीआईपी सुविधाएं पाने के लिए इस प्रकार के कानूनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा ही मामला सीकर के खाटू श्याम जी से सामने आया है। वीवीआईपी सुविधा लेने के चक्कर में हरियाणा सरकार की नेम प्लेट लगी गाड़ी और उस पर लगा तिरंगा झंडा देखकर खाटू श्याम जी थाना पुलिस ने जानकारी जुटाई तो मामला पूरा फर्जी निकला। साथ ही गाड़ी के अंदर एक लाल बत्ती रखी मिली। खाटू श्याम जी थानाधिकारी रिया चौधरी ने बताया कि हरियाणा से आने वाले श्रद्धालु वीआईपी सुविधा लेने के चक्कर में सरकार के नाम का दुरुपयोग करते हैं और फर्जी नेम प्लेट लगाकर बाबा श्याम के दर्शन का फायदा लेते हैं। चालक अभिषेक सिंह यादव निवासी सिकंदरपुरा गुरुग्राम से गाड़ी के दस्तावेज मांगे गए तो चालक ने कागजात नहीं दिखाने और संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देने पर पुलिस ने गाड़ी का चालान कर जब्त कर लिया। आपको बता दें कि श्याम नगरी में ऐसे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन खाटू श्याम जी थाना पुलिस की सजगता से ऐसे लोगों के मंसूबे फेल हो जाते हैं। गश्त के दौरान हरियाणा नंबरों की गाड़ी जो अभिषेक यादव सिकंदरापुरा गुड़गांव का रहने वाला था, जो गाड़ी के आगे बोनेट पे हरियाणा सरकार लिखा हुआ वह तिरंगा झंडा लगा हुआ था, वह अंदर बत्ती रखी हुई थी और जिसके पास कोई कागजात नहीं होने पर उक्त वाहन को 207 में जब्त कर थाना पर